बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। शिक्षकों ने बीएलओ के दायित्व से मुक्त की लगाई गुहार। तेगरा, 1 अगस्त से हर हाल में स्कूलों में अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों की मौजूदगी को लेकर होने वाले निरीक्षण पर अब शिक्षकों ने बीएलओ की दायित्व से तो बात करते हुए इसे मुक्त करने की गुहार लगाई है। प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड इकाई बीआरसी तेगरा के मैदान में आयोजित बैठक में संबोधित करते हुए संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार, सचिव सूरज पासवान ने कहा कि विद्यालय चलाने के पहले या बाद में बीएलओ कार्य करने पर शिक्षकों को क्षेत्र भ्रमण करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुणाल कुमार एवं मोहम्मद इरफान ने कहा कि प्रधानाध्यापकों को विद्यालय के बंद होने के बाद विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होना होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के बाद बीएलओ के कार्य को संपादित करना मुश्किल हो जाता है। रंजन कुमार एवं हितेश कुमार ने कहा कि विद्यालय खोलने से पहले या विद्यालय बंद होने के बाद महिला शिक्षिकाओं को पारिवारिक दायित्व निर्वहन करने में कठिनाई होती है। उन्हें बच्चों की देखभाल करना बड़ी समस्या प्रतीत हो रही है। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार ने की, जबकि संचालन सचिव सूरज पासवान के द्वारा किया गया। मोहम्मद इमामुल हक ने कहा कि शिक्षकों को बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना अनुचित है। अतिरिक्त समय में बीएलओ कार्य किए जाने से शिक्षक शिक्षिकाओं के कार्य दक्षता नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे निजात दिलाने को लेकर बैठक में सामूहिक रूप से एक प्रस्ताव पारित करते हुए निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी तेगरा को सामूहिक स्मार पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया। मौके पर प्रखंड के अधिकांश बीएलओ शिक्षक बैठक में शामिल हुए। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।